सो वेलकम भाई लोग। तो भाई लोग कैसे हो? तो फिर से एक न्यू अपडेट के साथ काफ़ी कमेंट्स आ रहा है कि जो कि हमारे 2.0 अपडेट के अंदर हमें FPP और TPP का बटन है वो शो नहीं हो रहा है, तो कैसे हम इनेबल करें, और जिस भाई का जो कि पहले से डिसेबल है अपडेट के दौरान, तो इसको इनेबल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है और नॉर्मल तरीके से आप जो कि इनेबल कर सकते हो, और मैं आपको जो कि इनेबल करके दिखा देता हूँ आपके सामने। और चैनल पर नहीं दोस्तों, तो इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट हर हमेशा मैं लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अपडेट आपको आसानी से मिलते रहे। तो इसके लिए हम चलते हैं, वहाँ पर मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। जैसे आपको स्क्रीन पर सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और उसके बाद आपने डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक किया तो आपने क्या करना है, और जो कि लेफ्ट साइड ऊपर वहाँ पर एडवांस कंट्रोल, तो इस पर क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है, वहाँ पे जो कि आपको दिखाई दे रहा है FPP स्विच जो बटन है वो मेरे पास इनेबल है, तो मैं डिसेबल करके आपको दिखा देता हूँ कि भी जो कि देखता हूँ मेरे पास शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए वहाँ से चला गया। अब फिर से इनेबल करते हैं और आप देखें जी मैंने इनेबल कर दिया, और वहाँ पर देखिए बटन अभी शो हो रहा है आपके सामने। तो आए वीडियो अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।